नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आर्ट एच एम एजुकेशन चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2019 सीईपीए टीएम 09 की जो एग्ज़ाम थी उसकी री एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है और री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुके हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो दोस्त मेरे चैनल से पहली बार विजिट हो रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा ले, जिससे कि आप पल पल की न्यूज़ के लिए अपडेट बने रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2019 सीईपीए टीएम 09 री एग्ज़ाम डेट जारी, री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड अवेलेबल 12/10/2019। जो विद्यार्थी पहले एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहे थे उनको एक मौका। तो दोस्तों, ये जो री एग्ज़ाम डेट जारी की गई है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी पूर्व में निर्धारित एग्ज़ाम तिथि को जो एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहे थे उन विद्यार्थियों के लिए एक मौका दिया गया है। तो वो विद्यार्थी अपना री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और री एग्ज़ाम डेट को अपनी एग्ज़ाम है जो पूर्व में निर्धारित जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको भी चेक कर ले, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम सेंटर में परिवर्तन किया गया है तो वो अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो पूर्व में निर्धारित एग्ज़ाम तिथि को अनुपस्थित रहे थे, उनको एक मौका दिया गया है। तो आइए, एक नोटिस जारी किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, उसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस है जो मैंने डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड किया गया है, सीईपीए टीएम 09 टेक एडवांस मैट ऑन 23 अक्टूबर 2019। तो दोस्तों, जो री एग्ज़ाम डेट की जो तिथि जारी की गई है वो 23 अक्टूबर 2019 को एग्ज़ाम ली जाएगी। तो इसके अंदर जो पूर्व में निर्धारित जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो जयपुर, गोवा, दिल्ली, देहरादून और पोर्ट ब्लेयर, पटना, इन सेंटरों पर पूर्व में निर्धारित एग्ज़ाम ली गई थी। वो एग्ज़ाम है जो 28 से 30 सितंबर तक चली थी और जो विद्यार्थी इसमें टूजेज कैंडिडेट वुल कुड नॉट अपेयर फॉर एग्जामिनेशन, जो विद्यार्थी पूर्व में निर्धारित एग्जाम में अनुपस्थित रहे थे उन विद्यार्थियों के लिए री एग्जाम शेड्यूल तैयार किया गया है। तो वो विद्यार्थी है जो अपनी एग्जाम है जो 23 अक्टूबर 2019 को जो न्यू सेंटर दिए गए हैं उन पर अपनी एग्जाम दे सकते हैं, और वो विद्यार्थी है जो अपने एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर ले। तो यही बात आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।